हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दही बनाने वाले हैं घर की दही से। और ये देखिए, ये गरम दूध है, इसको हम मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें अच्छे से झाग आ जाए। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप एक कप से दूसरे कप में भी ट्रांसफ़र करके भी इसमें झाग पैदा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से झाग बन जाएगा। और ये झाग करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से ना दही जब जमेगी तो उसके ऊपर जो लेयर होंगी ना वो काफ़ी अच्छी होंगी, मलाई वाली होंगी और मोटी होंगी, सारा फैट उसमें ही होगा। अब हम बाउल में एक चम्मच दही डालेंगे। ये दही भी मैंने घर में ही इसी तरीके से बनाया था। और ये दही बनने के बाद आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, इसमें से ही एक चम्मच दही लेके आप फिर से और दही जमा सकते हैं। अब ये जो दही है मैंने इसमें मिला दिया है, इसमें का जो सारा झाग जो है मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद हम इसको रख देंगे, चलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। अब इसको हम रखेंगे ओवरनाइट के लिए, आप 8 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आप बाउल में बना रहे हो तो बाउल में पैक करके ढक्कन लगा के इसके ऊपर से कोई मोटा कपड़ा या टॉवल लपेट कर भी आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो, गर्म जगह रखना है, दही बहुत अच्छी बनके तैयार होंगी। ओके, तो हम कल देखते हैं। दूसरा दिन सुबह पे मैं ये देख रही हूँ दही, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। ऊपर ये लेयर देख रहे हो आप, ये वही मलाई वाली लेयर है जो हमने झाग से पैदा की थी। देखिए बिल्कुल मलाई है ऊपर और नीचे ये दही है, कितनी सॉफ्ट, कितनी अच्छी दही बनी है। ऐसे ही आप घर में बना सकते हो और इसी दही को यूज़ करके बाद में आप दूसरा दही भी जमा सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।